हेलो फ्रेंड्स, कौर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ होममेड बटर चिकन। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्ट भी पूरा है, बाजार जैसा है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके लिए रॉ चिकन ले लिया है, 1 केजी से थोड़ा सा कम है, ये 1 केजी के करीब ही है। अब मैंने इसमें ऐड डाल दिया, इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच दही, थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये इसको मैरिनेट करके रखने के लिए है फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब मसाले, क्योंकि ऊपर से अभी और डालने हैं, तो मैं इसको थोड़े ही से ही अभी मैरिनेट करूंगी। ये इसमें मैंने डाल दिया जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर ये गार्लिक जो है, मैं उसको पेस्ट डालूंगी इसके अंदर। अभी मैंने पहले इसमें जिंजर डाला था, अब मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ फ्रेंड्स। इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना बहुत जरूरी है। बाजार में जो हम लोग बटर चिकन खाते हैं, वो उसको तंदूर करते हैं। इसको तंदूर में लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही इसका टेस्ट पूरा टेस्ट आएगा। ये एक इजी और सिंपल रेसिपी है होममेड बटर चिकन की। इसको कुछ हम लोगों ने इसको तंदूर में नहीं करना है, कुछ नहीं करना, और इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी होगा ये कि आप इसको एक बार इस रेसिपी से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए, जब तक मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, मेरे को इसमें थोड़ी मिर्च कम लग रही है, मैंने वो डाल दी है। अब मैं इसका एक पेस्ट, इसको मैरिनेट करके रखूंगी। मैं बता रही थी मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी, जो बटर चिकन का पेस्ट होता है, स्मूथ पेस्ट होता है, तब तक ये मैरिनेट हो जाएगा। अब 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, जिससे कि ये नमक बिल्कुल लास्ट में ही डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा मसाले के हिसाब से। वैसे नमक आप अभी इसमें थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जब ग्रेवी में हम लोग बनाएंगे, वहाँ नमक हम जरूर डालेंगे। अब मैं इसको ढककर, जब तक मैं अपना मसाला तैयार करूंगी, इसकी स्मूथ ग्रेवी तैयार करूंगी, तब तक इसको मैं ढक के रख देती हूँ। मैंने ये बड़ा पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा और काली मिर्च। पैन में मैंने इसमें फ्रेंड्स देसी घी लिया है 2 चम्मच, क्योंकि बटर चिकन है, मैं इसमें रिफाइंड नहीं चाह रही हूँ कि मैं इसमें रिफाइंड यूज़ करूँ। अब इसमें मैंने डाल दी है 2 मोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता। ये देखिए, मैंने इसमें एक मुट्ठी मैंने इसमें गार्लिक डाल दी है, जो 7 से 8 कलियां हैं, और 2 से 2.5 इंच का मैंने अदरक का पीस है। मैं इनको बारीक करके नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसको मिक्सर में पीसना है, तो ये मोटा मोटा ही जाएगा इसमें। अब मैंने यहाँ पे 7 से 8 मैंने बड़े प्याज ले लिए हैं, उनको भी मैं मोटा ही रख रही हूँ, क्योंकि उनको मिक्सी में मैंने पीसना है, तो मैं उनको भी ऐसे ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी स्मूथ पेस्ट चाहिए। आपने मेरी पहली रेसिपी आपने देखा होगा, जो मैंने बटर वो बनाया था, शाही पनीर बनाया था और मलाई कोफ्ता बनाया था, उसकी तरह ही इसकी स्मूथ पेस्ट बनेगी, इसके मसाले की भी। यहाँ मेरी प्याज इतनी देर सॉफ्ट होंगी, इतनी देर मैं टमाटो जो है वो चॉप कर लूंगी, वो भी 7 से 8 टमाटो ही लूंगी मैं उसके लिए भी। ये बस इतना ही इसको पकाना है, जिससे कि बस ये सॉफ्ट हो जाए और इसको मैं एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर सकूं। जब तक मेरे प्याज मसाले में, प्याज और जो खड़े मसाले मैंने डाले हैं, वो अपना टेस्ट कंबाइन करते हैं पैन में, तब तक मैं इसमें और चीज़ों डालने की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं आज इसको उसी टाइम बना रही हूँ, तो मसाले मैंने प्री वो करके नहीं रखे, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम है, क्योंकि मैरिनेट भी करना है और चीज़ें भी करनी थी, तो मैं इसको साथ साथ ही तैयार करूंगी। देखिए, मेरी प्याज सॉफ्ट हो रही हैं। जैसे ही मेरी प्याज सॉफ्ट हो जाएंगी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी बाकी चीज़ें। फ्रेंड्स, अगर घर में तंदूर नहीं है और आपको बटर चिकन बनाना है, क्योंकि बाहर का जो बटर चिकन हम लोग खाते हैं, हम लोग मेरा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और
थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा होता है, हम लोग स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते, बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो मैं इसको घर में ही बनाना पसंद करती हूँ बटर चिकन को। देखिए मेरी प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसमें डाल दूंगी कसूरी मेथी, जो मैं सभी चीज़ों में डालती हूँ क्योंकि कसूरी मेथी अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ती है सब्जियों में। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, जो मैंने सेम ही रखे हैं, जितने मेरे प्याज थे उतने ही मैंने टमाटर टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, कुछ भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, कुछ बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए वेजिटेबल्स का, जो भी हमने टमाटर प्याज वगैरह जो भी हम डाल रहे हैं। मैं इसको साथ साथ हिलाती रहूंगी, मैंने फ्लेम जो है वो काफ़ी हाई कर रखी है। देखिए मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, हल्दी भी कलर के लिए है बेसिकली। ये साथ में मैंने डाल दिया 1 चम्मच के करीब नमक, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब नमक डालने से मेरा जो ये टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे साथ साथ, ये एकदम अलग तरीका है बटर चिकन घर में बनाने का। देखिए अब जैसे मेरा ये प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, मैं इसको भी हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, मैं इसको बाहर निकालूं। देखिए मेरा ये तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं इसके अंदर दही और मैंने थोड़े से 1 कटोरी काजू भिगो के रखे हुए थे जो मैंने इसमें दिखा पाई हूँ, उनको डाल के मैं इसको पीस लूंगी। अब उसी पैन में जिसमें मैंने प्याज सॉटे किए थे अपने सारे उसके लिए ग्रेवी के लिए, अब उसी में मैं जो मैंने मैरिनेट करके मैंने चिकन रखा हुआ है, मैं उसको इसके अंदर ऐड करके उसको इसी में भूनूंगी। और मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और मैंने इसके लिए 1 बड़ा चम्मच बटर ले लिया है, बटर लीजिए, देसी घी लीजिए, आप रिफाइंड इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि रिफाइंड बहुत ज़्यादा डाल के भी कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में भी डालना ही पड़ेगा बटर, तो बेटर है कि हम मैं इसको बटर में ही बनाऊँ, उससे फ्लेवर जो है बटर के वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे उसके अंदर। अब मैं इसी पैन में इसको अच्छे से हिलाते हुए, और बिरयानी के लिए मैंने थोड़े पेसेस जो हैं वो भी हमने बड़े रखवाए हैं, आप अपने क्वांटिटी अपने चिकन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। देखिए फ्रेंड्स ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं, तभी इनका थोड़ा सा फ्लेवर जो होता है वो थोड़ा सा शाही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी हम जो घर में रेगुलर सब्जी बनाते हैं। अब कसूरी मेथी मैंने इसमें भी डाली है, कसूरी मेथी मैंने इसकी पेस्ट में भी डाली है। अब देखिए मैं इसमें डाल दूंगी साथ साथ देगी मिर्च, आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं साथ में मैंने डाल दी है हल्दी। अब इस चिकन को मैरिनेट करे हुए चिकन को मैं इसी में इतना रोस्ट करके सॉफ्ट कर दूंगी कि मुझे तंदूर में इसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तंदूरी चिकन की जरूरत पड़ेगी, और मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं करूंगी, क्योंकि बाहर जो हम लोग चिकन लेते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं कलर्स डालते हैं, मेरे को फूड कलर डालना अच्छा नहीं लगता, उसकी बजाय मैं देगी मिर्च इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब मैं इसको साथ साथ हिलाते हुए इसको थोड़ा सा ये मसाला जो बटर है और जो भी मसाला इसका मैरिनेशन था वो इसमें पक जाए और मेरा चिकन सॉफ्ट हो जाए, तब तक तो मैं इसको हिला के ऐसे ही इसको हल्का मीडियम गैस पे इसको पकाऊंगी। देखिए पकते पकते इसका ऑटोमेटिकली जैसे ही पकता रहेगा मसाला भुनता रहेगा इसका, वैसे वैसे इसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब अपना पिसी हुई इलायची, मैंने वो ये पिसी हुई इलायची मैंने उसमें भी डाली थी, जो मैंने मैरिनेशन बना वो जो पेस्ट बनाई है उसमें भी डाली थी, और आगे भी मैं थोड़ा डालूंगी, क्योंकि सिंपल नॉर्मल वेजिटेबल्स की तरह वेजिटेबल्स नहीं है, तो कुछ चीज़ें कसूरी मेथी इलायची पाउडर थोड़ा खड़े मसाले ये सब जाते ही हैं थोड़े एक्स्ट्रा। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1-2 बड़ी चम्मच विनेगर, विनेगर मैं मैरिनेशन में भी डाल सकती थी, मैं उस टाइम मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे बाद में भी डालना था, आप मैरिनेशन में चाहें तो मैरिनेशन के टाइम पे भी विनेगर डाल सकते हैं इसमें।
नॉर्मल विनेगर है, नॉर्मल सिरका है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब मैं विनेगर मैंने इसलिए भी डाला है क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डाल सकती, तो विनेगर मैंने, और ज़्यादा भी ना हो जाए इसलिए विनेगर डाल के, और विनेगर के उसमें ही मैं इसको सॉफ्ट करूँगी। देखिए चिकन कितना सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से भुन गया है। मैं यही आपको बोल रही थी कि इसको कोई तंदूरी चिकन तंदूर में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इसी पैन में तैयार हो जाएगा। देखिए चिकन मेरा ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं जो ग्रेवी बनाऊंगी बटर चिकन की, उसके अंदर भी ये जाके सॉफ्ट हो जाएगा। ये मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका, मैरिनेट चिकन जो था वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर, मैंने बताया जो मैंने बैटर तैयार किया था, जो उसका मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसको मैंने दही डाल के बनाया है। प्लीज़ इसमें दूध का इस्तेमाल मत कीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि क्रीम, हम लोगों ने क्रीम डाल सकते हैं, और मैंने बताया था मैंने काजू पेस्ट भी इसके अंदर डाला है, थोड़ा पीसते हुए काजू उसी में ग्राइंड कर लिए थे तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई हूँ। आप काजू के लिए मैंने पहले बताया था अपने शाही पनीर में कि आप अपना जो मखाना होता है वो यूज़ कर सकते हैं अगर काजू अवेलेबल नहीं है। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है, ये मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, अब मैंने इसमें डाल दिया है ये बटर, बटर डाल दिया है, और अब मैं इसको मिलाऊंगी, और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये ग्रेवी जो है थिक ना हो जाए। ये इसकी थिक ग्रेवी चाहिए होगी बटर चिकन के लिए, और मैंने ये इसलिए भी रखा है कि तो दही, ये जो हमने चिकन जो बनाया था वो उसमें सॉफ्ट भी हो जाए मेरी पेस्ट, क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था। अब मैं इसके अंदर, मैंने तवे पे भून के कसूरी मेथी रखी हुई है, अब मैं उसको हाथ से ही अपनी हथेलियों में रख के क्रश करके उसका पाउडर बना के मैं इसमें डाल दूंगी। वो मैं पहले करके नहीं रखती क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाती है, तो मैं साथ साथ ही करती हूँ। देखिए अब मैं इसको पकने दूंगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा विनेगर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है केवड़ा पाउडर। अब मैं साथ में इसमें डालूंगी इसको कलर के लिए 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है। आप तीखा खाते हैं तो आप तीखे के हिसाब से मिर्च दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है अपना गरम मसाला, और मैंने कुछ अदरक मैंने रखी हुई थी काट के लंबे लंबे, उसमें मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। साथ में मैंने डाल दिया है इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक, नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मसाले आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्रीम, ये 2 से 3 चम्मच क्रीम है। ये क्रीम इसको एक स्मूथ जो है वो टेक्सचर देगी, जब तक ये मेरी जो ग्रेवी है स्मूथ ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक होगा। तो मैं स्टार्टिंग में डाल दिया, बाद में मैं इसको बहुत ज़्यादा देखिए, अब ये बन के मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये थोड़ा मेरा चिमनी का लाइट थोड़ा डिफरेंट है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा, पर ये जब मैं इसको सर्व करूंगी आप देखिए इसका बहुत सुंदर कलर, बहुत ही टेस्टी, और होममेड आपका बटर चिकन तैयार है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।